मॉनसून का मौसम आते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। पिछली बार टमाटर की कीमतें क्या हो गई थी ये हम सबको पता है। बीते मॉनसून में टमाटर का दाम 200 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गया था और अब की बार फिर से टमाटर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो टमाटर के दामों में आग सी लगी हुई है। पहले भीषण गर्मी और अब बारिश की वजह से टमाटर जैसी सब्जियों का दाम आसमान छूने लगा है। टमाटर खरीदने में दिल्ली वासियों के चेहरे लाल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी के बाजारों में टमाटर की कीमतें 90 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा हो गई है। कुछ दिन पहले तक बाजार में जहां 28 रुपए प्रति किलो के दर से टमाटर बिक रहा था, वहीं अब इसकी कीमत 90 रुपए प्रति किलो हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सप्ताह दिल्ली में टमाटर की सप्लाई कम हुई थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों से सब्जियों को लाने वाले ट्रक की संख्या भी भारी बारिश के कारण कम हो गई है। अब देखना यह है कि टमाटर के बढ़ते दामों का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी तमाम खबरों के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।